सुपर महालक्ष्मी। यार व्यक्ति, मैं कुछ मांग रहा हूँ। दो चार लखपाट दोगे? चल बकवाद मत कर, मुझे लग रही है भूख। अरे यार भूख तो मुझे भी लग रही है, पन्नू बता के खाऊं मैं और के करें। मुझे देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। अरे वो आ रहा है, इसे खाओगा? जा तू ही खा लिए, मैं ना खाता। अरे मैं क्या मानस का हूँ, इसके द्वारा कुछ ना कुछ निकलेगा, इसे लोग के खा लेगा। यो न देवा चमन्नी भी मन्ने रगड़ू ने से कई बार रगड़ रखा, आज इस झगड़ू का कमाल देखे तू। अरे रुके भैया। अरे भैया मुझे एक साइकिल की जरूरत है, तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो। मैं ना दूं? मैं सारा काम इसी से नहीं करता, मैं ना देने का साइकिल तुम? अरे यार मिस्त्री, हम कोई फ्री में थोड़ी ले ले, पैसे देंगे। ओहो बहुत पैसे वाला बना रहा, मेरे पहले ही पैसे दे दे। मिस्त्री भाई तू अपनी साइकिल के पैसे बता, 200, 400, 500। मैं ना दूं 1000 रुपए में भी। 2000 पकड़ और साइकिल छोड़िया। ना 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 ना, मैं ना दूं। मिस्त्री साहब तू अपनी साइकिल के 5000 रुपए ले, अगर तू दे रहा है तो दे दे, ना तो हम कहीं और देख लेंगे। चल यार बेचने का मूड तो नहीं है, पर जब तुम घड़ी कर रहे तो ला 5000 रुपए पकड़ा, अब पकड़िए साइकिल। गिन लिए पैसे, गिन ले, फिर मत कहिए। बैठ 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 तो। दो हजार की साइकिल के 5000 रुपए पकड़ा के पागल कही के। अरे पागल, अरे के मेरा पागल तू बना गई है? अरे तो नकली सारे। अरे सुनियो हराम जादा पकड़ियो ने। अरे भैया धर्मलाल यू क्या कर रहा? देख ले आप खोल कर सफाई कर रहा हूँ। तू सफाई खुद कर रहा? तो क्या हो गया, अपने घर के आसपास सफाई रखना तो अच्छी बात हो। कैसे? घर के आसपास गंदगी हो तो हजारों बीमारी फैल जाए, और जब हमारे प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सका तो हम तो ना तो प्रधान ना मंत्री, हम क्यों नहीं झाड़ू लगा सकते? ठीक है वह चाहता तू, मैं भी आज से अपने घर के उधर सफाई रख करूंगा। हाँ अच्छा, सफाई रखनी चाहिए। राम राम। सॉरी बहन, मैंने देखा नहीं तू अचानक से आगे आ गई। चुप रह, सारे लत्ता खराब कर दिए, जी में तो ऐसा तेरी चोटी पकड़ के यही रगड़ दू। अरे मौसी कैसा रुक के तार रही है? तो देखी पप्पी यो क्या कर दिया इसने, सारे लत्ता खराब करके कर दिए। आंटी मेरी गलती ना इसमें, मैं तो पानी बाहर फेंक रही थी, ये अचानक से मेरे आगे आ गई। पप्पी अब बताओ मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे चल हो जाया करे कभी कभी, तू भीतर चल के मेरे लत्ते पहन ले। चल तू अपना काम कर ले। ले इन्हें पहन ले, और जब तेरे लगते सूख जा तब तू अपने बदल लिए। ठीक।
जाने मन ओ जाने जा जाने मन तू जाने जा जाने मन तू जाने जा जाने मन अपना बना जा दिल में समा जा ओ जाने जा जाने मन ओ अपना बना जा दिल में समा जा ओ जाने जा जाने मन ओ जाने जा जाने मन ओ जाने जा जाने मन अपना बना जा दिल में समा जा ओ जाने जा जाने मन। अरे मेरी जलेबी की दुकान और तो बड़ी सोहनी लग रही है। अरे उत्ता छोड़ दे, उत्ता कह ले या कुत्ता कह ले, आज तो अपनी बर्फी से प्यार करके रहूंगा। अरे मैं बर्फी ना हूँ। अरे मेरी मैया, अरे बुढ़े ढांड, यू के कर रहा तू? बुढ़ा ढांड कह ले या बुढ़ा सांड कह ले, आते ते बता करूंगा कि मैं बुढ़ा देखने में लगूं पर मैं बुढ़ा हूँ ना। अरे फुफ्फे मुझे छोड़वा दे ना, तो आज ये मुझे भेज कर मार देगा। अरे बुढ़े ढोल, इसे छोड़ दे, यू मैं ना हूँ, तन्ने सविता पकड़ रखी है। अरे लाली तू तू यहाँ क्या कर रही है? इसकी साड़ी क्यों पहन रखी है? मैं तो तुझे बर्फी समझ रहा था। अरे फुप्पे वो तो अच्छा तू थे घर में ना, तो आज फुप्पा मुझे बर्फी समझ खाए जाता। न्यू तो तू लाली डरे मत ना, इसके बस की ना खाना, यू तो खाली चखी सके। के मतलब फुप्पे? जेठानी मतलब मतलब तू छोड़, तू जा अपने घर को, लगते बाद में ले जाइए। ठीक है। अरे बुढ़े लोग, तुझे न्यू पता नहीं चली मैं हूँ या कौन है? अरे यार मैं तो उसके कपड़ों के चक्कर में आ गया। देख लीजिए, अगर मैं किसी कपड़ों के चक्कर में आ गई ना, तो तू अपना खुरपा सा खो बैठेगा। जी हाँ, ऐसे कैसे खो दूंगा खुरपा सा? मैं तो अपने खुरपे को हाथ पकड़ के रखूंगा, और हाथ पकड़ेगा मैं तो अपने खुरपे को अपने गले से लगा कर रखूंगा। चल प्यार व्यार मत दिखा जाता, चल भीतर को। भाई एक बात तो है, जब से मुस्कान हमारे घर में आई है ना, तेरे बजे आ रहे खाली बैठी रहे। अंकल जी चल। फिर अंकल जी कह रही है? एक बात तो है देवर, जब से बहू हमारे घर में आई है ना, सारा काम अपना आप कर ले है। ओ बेलखनी, ना तो मैं तेरे देवर हूँ ना तुम्हारी बहू हूँ। औरी मैया फिर? अरे मैं तेरा खसम हूँ, तेरा लोग और तुम्हारी नौकरानी है। औरी मैया, यू तो मैंने गलत बोल दिया। तू आज तो सही बोल ली कद है। चलो चुपचाप यू पपीता खा लो। ओ खलेवनी, ये पपीता ना है, केला है, केला जो भी है खा लो इसे। ओहो बड़ी सेहत बना रहे हो भाई। पिताजी थोड़ा बहुत हेल्ला भी कर लिया करो, सारे दिन माँ के धोरे पड़े रहो। अरे माँ एक बात बता, ऐसा क्या है तेरे धोरे जो पिताजी हर वक्त तेरे धोरे पड़ा रहे? कुत्ते के भसरे पे ऐसा मारूंगी, बकवास करेगा तेरे। पिताजी जाओ घेर में, डांगरों को न्यार कर दियो। अरे जा रहा हूँ आराम से, कह सके हम आराम से सुनो ही गाँव। अरे माँ तू भी जाकर ऊपर जाकर आराम कर ले, हर वक्त यहीं धरी रहे। देख कना चल सके थी, अगर मैं ना पकड़ता ना तेरा भोबरा सा फूट जाता। जो चीज नहीं फूटने की वो नहीं फूटेगी, और जो फूटने की है उसे कोई बचा नहीं सकता।
के मतलब है? मतलब के झाड़ू लगानी है मुझे। क्या कहेगी? अरे चल चल। यार नींद बेशक सना रही हो, पर आज दिन का वो सीन बहुत बढ़िया था। यार कितनी मस्त बॉडी है उसकी और कितना हैंडसम दिखता है वो, पर क्या करूं वो तो मुझे भाव नहीं देता। तो मैं भी देखती हूँ कबूतर कब तक बिल्ली से बचता है। ताऊ राम राम। अरे तेरी माँ का कुतुब मीनार 12 साल है, ताऊ कह रहा चाचा ना कैसा गया? और ताऊ कह रहे हैं मैं कौन, क्या बुराई है? अरे कोई ताऊ कह रहा है तो लगे से गाली दे रहा हो, तुम्हें चाचा कहकर। ठीक है मैं तुम्हें चाचा कह दूंगा, पर तुम नु बताओ तुम्हें क्या फायदा है? अरे तो चाचा कह रहेगा ना तो तेरी माँ से हाजिर बजाता कर लूंगा मैं। चाचा विक्की कहाँ गया? विक्की सोरा भीतर। चाची राम राम। अरे मैया कुत्ते तेरे भसरे पैसा मारूं मैं तेरे चाची लगू। एक बार बता, तू तो चाची कहने पे भी तक रही है। अरे ताऊ कहने पे भी तक रहा, अब तुम्हें मैं क्या कहूँ? मेरे भाई का छोरा बोला गया मेरा भतीजा, तो मुझे फूफी के पर चाची ना कहे। ओ फूफी, मेरा मतलब है ओ बर्फी महारानी, ओ बर्फी देवी, यू तेरा भतीजा ना है, तेरे भाई का छोरा ना है, यू झगड़ू है हमारे विक्की का दोस्त। अच्छा यू कुनबा भी अजीब है हमारे गांव में। ऐ क्या कह रहा, विक्की कहाँ है? विक्की है कमरे में। हद तुम्हारी की। ओ साफ सो रहे हैं। मेरी जान तने पूरी रात नहीं सोन दिया। अरे छोड़ दे मुस्कान, जो आवाज तेरी आदमी जैसे। अरे मुस्कान ना है, मैं हूँ झगड़ू। मैं झगड़ू? तुम तू क्या कर रहा था अड़ी तड़क? भैया मैं तो एक तेरे एक काम को आया, पर तू तो मेरा ही काम खराब कर देता। पता क्या काम था? काम बताऊंगा बाद में, तू तैयार हो हमेशा। चल कहाँ चलना? तू बताऊंगा। बड़ी मीठी है। अरे का लपड़ मारूंगा, जो उसकी तरफ देखा भी तो। इसी के सपनों में खोया हुआ था तू। एक काम कर, जल्दी जल्दी चाय पी और चल यहाँ से। चल साहब जी, इतनी बेरुखी भी अच्छी माँ।